नाज़रीन, मैं हूँ क्या एनएसए फ़ज़ा ज़ैनब और आज हम आपके लिए एक अहम मौजू लेके आए हैं जो कि इंफॉर्मेशन से भरा है, जहाँ हर इंसान में ये कन्फ्यूजन है व्हाट्सएप प्राइवेसीज़ को लेके, व्हाट्सएप के जो नई पॉलिसीज़ है उसको लेके कि व्हाट्सएप यूज़ करें नहीं करें, क्या व्हाट्सएप जो है आपकी पर्सनल डिटेल जो है फेसबुक के साथ शेयर करता है, क्या व्हाट्सएप जो है आपके चैट्स जो है, पर्सनल चैट्स है, वीडियो कॉल्स है, आपकी ऑडियो कॉल्स है, क्या वो फेसबुक के साथ शेयर करता है, क्या आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है क्या वो फेसबुक के साथ शेयर होती है, तो क्या आपके फ़ोटोज़ जो आप लिंक्स भेजते हैं, अपने फैमिली से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, क्या व्हाट्सएप वो रीड करके फेसबुक को भेजता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जो यूज़र्स है बहुत कम हो गए हैं, व्हाट्सएप अब सब लोग डिलीट ही करने लगे हैं। सो जहाँ एक ऑप्शन आ रहा है अग्री का प्राइवेसीज को लेके, कुछ लोगों ने तो वो अग्री किया है बिना सोचे समझे और कुछ लोगों ने अभी तक अग्री नहीं किया है। अभी जो लोग हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं टेलीग्राम और सिग्नल। टेलीग्राम की बात करें तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र जो है टेलीग्राम के आज तक बढ़ गए हैं और जहां अभी जो ओवरऑल यूजर्स टेलीग्राम के हैं वो 50 करोड़ बन गए हैं। अगर सिग्नल की बात करें तो उसमें सिर्फ 25 लाख यूजर्स थे और अब सिग्नल जो है 1 करोड़ यूजर्स बन गए हैं सिग्नल के भी। इसी के साथ ये सारी डिटेल जानने के लिए कि क्या व्हाट्सएप अभी भी सेफ है, क्या व्हाट्सएप जो है आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, सो यही सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट शेख आसिफ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की पॉलिसीज बदली है। सो आसिफ साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपने हमें भी दावत दी अपने इस प्रोग्राम में कि ये जो पैनिक यहाँ पे क्रिएट हुआ व्हाट्सएप के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मतलब इस मौजू पे बात होना ज़रूरी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी को लेके मतलब जैसे आपने बताया कि बहुत सारों ने खुद एग्री किया उस चीज़ को बिना पढ़े बिना देखे, तो ये मतलब जो है व्हाट्सएप आपका डिलीट नहीं होगा, 8 फरवरी के बाद भी आपका जो अकाउंट है डिलीट नहीं होगा, लेकिन उसमें वो नोटिफिकेशन उसके बाद स्टेबल रहेगा, स्टिच रहेगा जब तक आप एग्री नहीं करेंगे। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका व्हाट्सएप है वो एग्जिट हो जाएगा, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप ऑफिस से जो हमें मिली है। मतलब आप उसके बाद व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे? व्हाट्सएप यूज तभी कर पाएंगे आप जब आप एग्री करेंगे। अगर आप उस पर एक छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है, अगर आप वो कट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो व्हाट्सएप है बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 90 डेज का एक पीरियड होता है व्हाट्सएप का जब आपका डिलीट हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम पे हमें पता है, मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत लोगों को पता होगा कि जब हमने आफ्टर मतलब जो स्ट्राइक के बाद हमने व्हाट्सएप स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमारा सारा डेटा डिलीट हुआ था और प्लस हमें नए से वेरीफाई करना पड़ा था। तो सेम वही चीज़ें होंगी यहाँ पे भी। सो एक्चुअली ये पॉलिसीज है क्या? एक्चुअल में जो ये पॉलिसीज़ है जो आज की डेट पे मतलब जैसे मैंने भी खुद मतलब मैंने खुद सोशल मीडिया पे बहुत बार ये डाला, जो पैनिक ज़्यादा क्रिएट हुआ कि ये सारा डेटा हमारा लीक करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैसेजेस जो आई है वो यही थी कि हमारा जो डेटा है वो गूगल पे आ जाएगा या फेसबुक पे आ जाएगा हमारी फोटोग्राफ्स, तो ये सब लेके ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ये फॉल्स है, मतलब जिसने भी इंफॉर्मेशन दिए मे बी मतलब उनने बिना पढ़े या किसी और से देख के उनने वो सब जो सीन है वो क्रिएट हुआ। तो पॉलिसीज यही है कि अभी तक हमारे पास खाली व्हाट्सएप हुआ करता था 2018 तक। 2018 जनवरी में व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च हुआ, ठीक है। तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के साइड से अगर देखा जाएगा 2014 में जब ब्रैंड एक्टन जिनका अभी सिग्नल है अपना एप्लीकेशन, उनने 19 बिलियंस का लिया था व्हाट्सएप। मारुति कारबर ने एक्योर किया था व्हाट्सएप को 19 बिलियंस। तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के साइड से अगर देखा जाएगा 19 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो जिस दिन उन्होंने वो परचेज किया, हम मतलब जितने भी चाहे आज हम है या कहीं भी है कोई भी यूज़र है, हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि इनने 19 बिलियंस का लिया। हमने इतना ध्यान दिया कि हमारे पास अभी चैटिंग का एप्लीकेशन आ गया, काम खत्म है। 2 बिलियन यूज़र एक्टिव यूज़र है अभी व्हाट्सएप के, 5 बिलियन इसमें डाउनलोड्स हो चुके हैं। अभी ऑप्ट आउट की बात हम करेंगे कि हम कैसे ऑप्ट आउट करेंगे प्राइवेसी, मतलब जो पहले हमारे साथ जो शेयर होता था वो उसमें आईपी आ जाता था, आईपी एड्रेस हमारा, नेटवर्क हमारा, लोकेशंस, ये सब उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसी में दोनों चीज़ें लिखी हुई है। क्लियरली वो बता रही कि मेरा मतलब देखो जो फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी चलाती है, ठीक है, इनका इंस्टाग्राम भी अपना है, तो अब जो हाँ बिल्कुल वो सारी चीज़ें इनको अपनी है एक्योर्ड बाई, ये वो सारा जो है ये फेसबुक का ही है। उस पर नीचे आता भी अगर आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे लास्ट ईयर से वो अप्लाई हुआ कि बाई फेसबुक, ठीक है। तो ये अपना जो डेटा है वो कैसे शेयर करते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा मैक्सिमम जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप प्लस फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम यूज़र होते हैं
जब भी हम किसी बिजनेस के साथ चैट करते हैं ना, उसके रिलेटेड हम अगर कोई बात करते हैं, जैसे मान लो अभी हमने कुछ लेना होगा, जी ठीक है, आप देखिए तो एक दिन कीवर्ड आ जाता है ऑटोमेटिकली, वो आपको वही एड्स दिखेंगे, रिलेवेंट कीवर्ड्स के पिक्सल एड्स आपको दिखेंगे कि लैपटॉप अगर आप सर्च करते या लैपटॉप किसी को भेजते, सेम लैपटॉप वही मॉडल आपका फोन देखिए, अगर आपने देखा होगा, अगर कोई व्हाट्सएप पे है भी नहीं, खाली फेसबुक चलाती, उनको देखिए उनके पास एड्स आ जाते हैं, सेम कंपनी एक ही एड डाला होता है, लेकिन मेरे पास अगर आईफोन है तो आईफोन के केसेस दिखेंगे, अगर कोई सैमसंग यूजर है उसके सैमसंग के ही उनको वो दिखेंगे, तो वो कैसे हमें रीड कर रहा है मॉडल नंबर के साथ। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब हम उनको सारा वो ऑलरेडी तो वो ले रहे हैं। सो मुझे यहाँ आप बताइए आसिफ कि कौन सी डिटेल्स वो शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। अभी के टाइम पे इन्होंने जो लेटेस्ट में जो हुआ है उसमें खाली अभी एडिशन में फोन नंबर हुआ है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेफ है व्हाट्सएप या नहीं है, तो मेरे हिसाब से सेफ है, एंड टू एंड एनक्रिप्ट अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, फोन नंबर वो खाली एक्स्ट्रा चेंज कर रहे हैं, प्लस उसमें मतलब जो पहले से ही प्राइवेसी पॉलिसी में जो लिखा था कि हम आपके आईपी एड्रेस, आपका लोकेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के साथ वो शेयर करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि उनका वहां से पैसा निकलता है। जहां तक कॉल मैसेज की बात रही, आप कह रहे हैं अभी भी वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, क्या अभी भी व्हाट्सएप चलाना सेफ है? क्योंकि आप कह रहे हैं जहां चैट्स की बात आती है, जहां मैसेजेस की बात है, वहां हमारे फैमिली है, फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, अगर हर किसी की बात करें तो हर किसी फोन में व्हाट्सएप तो डाउनलोड रहता ही रहता है। सो व्हाट्सएप में तमाम किस्म की प्राइवेसीज होती है अलग अलग की, सो क्या यूज करना अभी ठीक है? अभी के टाइम पे जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप हम मतलब सारे यूज कर रहे हैं, अभी 90% मतलब जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास व्हाट्सएप होना जरूरी है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप को पता था कि देखिए जब उनने एक्योर किया, उनने खाली ये 19 बिलियंस में लिया क्या, उस टाइम पे 500 मिलियन यूजर थे, एक्टिव यूजर जो व्हाट्सएप के हुए थे, 1 मिलियन पर डे उसका यूजर बेस बढ़ रहा था, तो वो तो वही डेटा परचेज करेगा क्योंकि डेटा की कीमत है। अभी एंड टू एंड एनक्रिप्ट अभी भी सेम चीज़ें, कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ है। एंड टू एंड एनक्रिप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं उस पर वो बताना चाहता हूँ। एंड टू एंड एनक्रिप्ट क्या होता है कि हमारी जब मैसेज आती है, जब मुझे आपको मैसेज करनी है, तो बीच में एक सर्वर रहता है हमेशा, वो सर्वर में जब मेरी मैसेज आती है, जैसे मैंने हाई किया तो वो उसको कन्वर्ट कोड में कर देती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है, वो लिख रहे हैं कि क्लियरली हम स्टोर करते हैं लेकिन एनक्रिप्टेड, तो जैसे ही दूसरे बंदे के पास चला जाता है उसको ऑटोमेटिकली वो क्लियर दिख जाती है, तो मतलब बीच में जो सर्वर है वो पढ़ नहीं पाता उस चीज को, मतलब थर्ड पार्टी जो होती है वो पढ़ नहीं पाती, थर्ड पार्टी नहीं मतलब व्हाट्सएप के जो सर्वर है वो पढ़ नहीं पाते, व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज होंगे वो भी नहीं पढ़ पाएंगे इस चीज को, और ये अभी भी सिक्योर है, पहले भी था अभी भी है। तो सेफ्टी बचने के लिए अगर आप एग्री भी करते इस चीज को, लेकिन अगर आप फेसबुक यूजर है तो मुझे लगता है मतलब दोनों में से फिर आपको एक ही चलाना पड़ेगा, या तो फेसबुक तो सबसे पहले एंड टू एंड एनक्रिप्ट है नहीं, सबसे अच्छा है कि अगर फेसबुक कोई बिजनेसमैन चलाता है उस पर तो कोई फैमिली फोटो शेयर भी नहीं करेगा, या अगर हम चैट्स करते हैं वहाँ पे मैसेंजर पे, एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं है, तो क्लियरली फेसबुक ने लिखा है कि हमारा जो मैसेंजर है वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप अभी भी सेफ है एज कम्पेयर टू जो अल्टरनेटिव में आ गया टेलीग्राम। टेलीग्राम में कोई प्राइवेसी नहीं है, वो तो लिख रहे, इवन मैंने परसों जब ये सब हुआ मैंने खुद फिर उस चीज़ पे एक ये किया कि मैंने उनकी प्राइवेसी पॉलिसी देखी जो मैंने नहीं देखी थी, पहले हमने देखा था, तो उस पर सीधे ही बोलता है कि मैं जो आपका डेटा है जितना भी चाहे आपके फोटोग्राफ हो, वीडियो चैट, कॉलिंग डेटा, मतलब उस पर कॉल तो होती नहीं है फिलहाल के लिए, उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए लिमिटेड, तो वो सारा हम अपने स्टोर या अपने जो डेटा सेंटर से वहाँ पे, हाँ ये टेलीग्राम खुद अपनी पॉलिसीज में कहता है कि हमारे पास वो स्टोर रहेगा आपका डेटा, हम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमें कब तक ट्रस्ट रहेगा कि टेलीग्राम हमारी इन्फॉर्मेशन तब तक शेयर ना करें। तो आपको लगता है अभी भी जो है व्हाट्सएप ही सेफ है टेलीग्राम से? हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू टेलीग्राम। टेलीग्राम एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मैसेजेस है वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट है, और उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप वो रिमूव करेंगे, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप प्राइवेट चैट करते हैं, सीक्रेट चैट करते हैं, वो लिमिटेड रहेगा, जैसे आपने ख़त्म किया चैट को वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, तो बस वही है, और उस पर वो बोलते हैं कि हमारा जो हम स्टोर करते हैं, तो अभी इस चीज़ पे तो भरोसा नहीं है कि वो हमारी जो सीक्रेट चैट है जो हम खुद एनेबल करते हैं उस टाइम पे कि वो स्टोर करेंगे और फिर आगे दे या ना दे, तो इस चीज़ पे तो कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं दे रहा। सो जो लोग अभी व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि अभी सिग्नल ऑप्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम ऑप्ट कर रहे हैं?
देखिए सबसे पहले ये जो अभी सिग्नल और टेलीग्राम पे ऑप्ट जो कर रहे हैं ना, उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा व्हाट्सएप के रिलेटेड, कि अगर आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, कोई भी, चाहे टेलीग्राम हो या चाहे सिग्नल, जो अभी सबसे ज़्यादा प्राइवेसी में है, जो हमने भी देखा, मतलब जो हमारी जो रिसर्च होती है, हम जब सोशल मीडिया मैनेजर जब इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो हम कंपनीज तक तो मेल पहुंचा देते हैं, किसी ना किसी का तो रिवर्ट आ जाता है। फिलहाल के लिए तो हम सारे बोल रहे हैं कि सिग्नल सेफ है, ठीक है, व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो खाली हमारा फ़ोन नंबर लेता है और हमारा नाम लेता है। जहाँ तक बात आती है बिजनेस अकाउंट्स की, ऐसा है कि पॉलिसी में कि अगर आप बिजनेस अकाउंट से चैट करते हैं तो वो सेव रहेगा, बाकी जो आपकी आपकी फैमिली से या फ्रेंड से आप जो बात करते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो ये बात कहाँ तक सही है? ये बात जो है यहाँ पे भी कंफ्यूजन है इस चीज़ पे। देखिए जो बिजनेस जहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप की बात आ रही है, ठीक है, वहाँ पे भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट रहेगा, लेकिन अब ये चीज़ होती है कि एक लूप होल हो जाता है अगर कल को डेटा ब्रीच होता है। ये खाली डेटा ब्रीच व्हाट्सएप में आज के डेट पे नहीं होगा, ये इससे पहले भी हो सकता था लेकिन अभी तक हुआ नहीं, मतलब चांसेस बहुत कम थे। लेकिन ये जो अब खाली ये जो फ़ोन नंबर जो ये चेंज करें, मतलब जो ये शेयर करेंगे अपने फेसबुक के साथ या मतलब बाकी जो इन्हें कुछ चेंजेस किए, आईपी अभी तक लिमिटेड रहता था, आईपी करते थे लोकेशन नहीं, लोकेशन करते थे आईपी नहीं, अभी दोनों चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेटा ब्रीच का खतरा रहेगा। बाकी ऐसा नहीं कि वो हमारी उठा के इन्फॉर्मेशन शेयर डाल देगा, और सिक्योरिटी के रीज़न से अगर मतलब मैंने बहुत सारे यहाँ पे देखे जो अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करते थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो जो भी उनको सिक्योर लगे, सबसे पहले मतलब इससे पहले भी ये सब चीज़ें हुई भी है। साइबर सिक्योरिटी के जो हमारे SSP साहब है उन्होंने भी पहले भी बोला था कि इन स्कैम से बचने के लिए अपना OTP कभी शेयर मत कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट भी हमें यही बोलती है कि अपना अकाउंट नंबर, कार्ड डिटेल्स ये सब शेयर ना करें। अगर सेम चीज़ हम व्हाट्सएप पे करते हैं तो कल को अगर डेटा ब्रीच हो जाता है, ये वो नहीं कहता कि मैं कल को शेयर करूंगा, अगर डेटा ब्रीच हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली जितना भी फ़ोन में डेटा वो सारा उस टाइम पे लीक हो जाएगा। डेटा ब्रीच का खतरा रहता है क्योंकि यहाँ पे तो डेटा ब्रीच ने ट्विटर, लंदन, ठीक है, या जोमेटो, इनको भी नहीं छोड़ा, तो व्हाट्सएप को क्यों छोड़ेगा कल को फिर। अच्छा, जो फेसबुक यूज ही नहीं करते हैं और व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ प्लस पॉइंट्स हैं? उनके लिए प्लस पॉइंट यही है, मतलब अभी उनका मोबाइल नंबर शेयर नहीं होगा व्हाट्सएप के साथ, बस यही, फेसबुक के साथ सॉरी, वो नहीं होगा, बस वो प्लस पॉइंट है, बाकी सारे माइनस पॉइंट ही है उनके लिए, ठीक है। व्हाट्सएप टू फेसबुक ये जो बीच का रास्ता बन गया, इसमें लूपहोल अगर निकला तो डेटा ब्रीच हो जाएगा, उस टाइम पे हमारा जो डेटा है लीक हो जाएगा। इस सब से सिक्योर रहने के लिए अगर अभी तक आपका, देखिए आपका मेल है, आपको पता है कि आपको कभी हैक भी हुआ होगा, नहीं पता, हमने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। व्हाट्सएप की पॉलिसी परसों आ गई, आप जीमेल अगर एक साल से चला रहे, आपने कभी देखा है कि मतलब कोई भी, चाहे कोई भी यूज़र हो जो भी वीडियो देखने वाला है, उसने कभी देखा है कि मेरा पासवर्ड कभी लीक तो नहीं हुआ है? हमारे पास कभी मेल्स आ जाते हैं बैंक के, या जिस चीज़ के लिए हम जो भी दिमाग में ही सोचते हैं फिर थोड़ी बात करते हैं उसके रिलेटेड मेल आते हैं। तो मुझे ये बताइए, आप अभी लोग जो है वो टेलीग्राम पे ऑप्ट कर रहे हैं, सिग्नल पे ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो दो एप्लीकेशंस कहाँ, कब तक सेफ रहेंगी, कब तक वो अपने हमारा जो डेटा है वो शेयर नहीं करेंगी? क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप में जो है पहले डेटा शेयर नहीं होता था, वो प्राइवेसी को जो है एक रिस्पेक्ट करते थे, सो ऐसा कहते थे, लेकिन अब जो है अब वो भी जो है डेटा शेयर करने लगे, सो कहाँ तक हम भरोसा कर सकते हैं? और सिग्नल और टेलीग्राम जो है हम जब ये एप्लीकेशंस ऑप्ट करेंगे फिर ये भी डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं? देखिए टेलीग्राम और सिग्नल की बात करेंगे, उससे पहले हम व्हाट्सएप की बात करेंगे। व्हाट्सएप पहले शेयर नहीं करता था डेटा, ठीक है, ये उनकी मतलब वो फाइट बहुत ज़्यादा हुई है मार्क जुकरबर्ग और ब्रैंड एक्टन जो अभी सिग्नल के फाउंडर है, ठीक है। सिग्नल मतलब जो जब इन्होंने क्रिएट किया उसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप बनाया था, व्हाट्सएप भेजने से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला था कि मैं फेसबुक को भेज रहा हूँ ये सब, ठीक है, वो हमसे परमिशन नहीं लेंगे, उनका प्रोडक्ट है कभी भी किसी को भेजेंगे। टेलीग्राम सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा, अगर वो ना ही यूज़ करे तो बेटर है, क्योंकि टेलीग्राम जो है बहुत ज़्यादा स्कैम्स के लिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे उसमें ग्रुप्स में 2 लाख मेंबर्स को एक साथ ऐड कर सकते हो, कौन सी प्राइवेसी रही वहाँ पे? उससे बेटर तो आपका व्हाट्सएप है, 231 ही उसमें आपकी लिमिटेशंस रीच हो जाती है, मतलब 300 भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे 2 लाख मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं, मतलब अगर एक ग्रुप का जो डेटा है लीक हो जाता है ना 2 लाख बंदे एक साथ फंस जाएंगे। तो आप जैसे कह रहे हैं तो टेलीग्राम अगर यूज़ अब जो लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम ऑप्ट किया है, सो उनके लिए बताइए कि उन्हें अगर प्राइवेसी रखनी है तो वो किस तरीके से सेटिंग्स में उन्हें क्या करना पड़ेगा जिससे उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये सारी डिटेल जो है छुपी ही रहे?
देखिए टेलीग्राम की तो मैं बात ही ना करूं, अगर वो ऑप्ट वापस करते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो। सबसे पहले एक गलती हर एक एप्लीकेशन में हम करते हैं, ये आज व्हाट्सएप की बात है, कल किसी और एप्लीकेशन की बात होगी। हम जब भी किसी एप्लीकेशन को परमिशन देते, चाहे कैमरा या चाहे हमारी OTP, ठीक है, SMS के टाइम पे या गैलरी के टाइम पे, हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। हर एक मोबाइल में एप्लीकेशंस में व्हाट्सएप पे जाएंगे, एप्लीकेशंस में जाएंगे, ठीक है, तो एप्लीकेशंस में जाके जिन चीज़ों की हमने परमिशन दी और हमें यूज़ नहीं हो रही, उन चीज़ों को बंद कर दीजिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, व्हाट्सएप को छोड़ के जितनी भी है। अब व्हाट्सएप को सेफ रखने के लिए आप वहाँ पे आप उनको कॉन्टैक्ट की परमिशन ऑफ़ कर दीजिए, लोकेशन परमिशन ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है, जो आपको यूज़ करना है उतना ही। अगर आप कैमरा भी कुछ टाइम के लिए बंद करते, जब आपको कैमरा यूज़ होगा तब जाके आप उसको यूज़ कीजिए, उसके बाद बंद कीजिए, उतना ज़्यादा मुश्किल हार्ड वर्क नहीं है। खुद को प्राइवेट तो रख लो आप किसी जगह पे, ठीक है। और साइबर वर्ल्ड में अगर कोई भी आता है, IT, आपने इंटरनेट ऑन किया, उसके बाद आप सोच रहे हो मैं सिक्योर हूँ, तो आपकी गलती है। वो सबसे बड़ी, आप तो यहाँ पे मतलब चलो व्हाट्सअप हम डिलीट कर देंगे, किसी और पे ऑप्ट करेंगे, लेकिन जो आपने इंटरनेट ऑन किया है ना, उसके बाद आपका डेटा कहाँ पे, गूगल, देखिए गूगल और यूट्यूब की बात करेंगे तो वो आपका डेटा कौन सा प्राइवेट रख रहे हैं, वो तो सारा आपका, इवन गूगल की जो जब रिक्रूटमेंट होती है, जब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ उनको लेने, तो वो सर्च बेस्ड पे लेते हैं, तो अपना डेटा तो सारा ले लेते हैं। तो बेटर है कि हम अपनी प्राइवेसी खुद रखें, इंटरनेट पे आ चुके हम अपनी प्राइवेसी रखें, एप्लीकेशंस को वही परमिशंस दें जो हम यूज़ कर रहे हैं, बस यही एक ऑप्शन है। भले ही आप कोई भी एप्लीकेशन चला लें विदाउट टेलीग्राम, टेलीग्राम की कोई गारंटी नहीं, एंड टू एंड एनक्रिप्ट है नहीं वो, ठीक है, तो उस पर कोई मतलब कभी भी डेटा ब्रीच आ गया तो आपका चैट तो ऑब्वियसली, आप सोच रहे हो अभी फेसबुक नहीं, वो गूगल पे आ जाएगा आपका। सो ये देखिए, ये इनसे हमने बात की, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि टेलीग्राम कितना सेफ है, सिग्नल कितना सेफ है, साथ ही व्हाट्सएप के बारे में कही, जितने भी सारे आपके कन्फ्यूजन्स थे, मुझे उम्मीद है कि ये देख के आपका जो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जिस तरीके से व्हाट्सएप को अनसेफ माना जा रहा है अभी, और व्हाट्सएप हर तरफ से जो है डिलीट किया जा रहा है, वो ऑप्शन नहीं है। जो व्हाट्सएप है वो अभी भी सेफ है, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, वो जो कि बिजनेस अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है उनको, जो उनकी चैट्स है, वो जो चैट्स होती है, वो जो कीवर्ड्स होते हैं, वो उनके इस्तेमाल में आती है, वो उनको ज़रूरत पड़ती है, उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो ये फैमिली चैट्स, फ्रेंड चैट होते हैं, ये चैट जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ही रहती है। जहाँ सिग्नल की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, तो इनका यही मानना है कि व्हाट्सएप ही सबसे ज़्यादा सेफ है, और व्हाट्सएप यूज़ करिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप व्हाट्सएप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं आपकी कोई पर्सनल चैट, पर्सनल फोटो, आप जो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करते हैं, वो कहीं भी अनसेफ नहीं है, वो भी सेफ है। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदसर के साथ मैं फजा ज़ैनब, KNS श्रीनगर, कश्मीर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JNK बैंक लिमिटेड।